हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे और DSSB का क्या जवाब आया है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, TGT और PGT की वैकेंसीज काफ़ी भारी मात्रा में आने वाली हैं और जिनमें मुख्य तौर पे TGT की वैकेंसीज आने वाली हैं। ये RTI के माध्यम से, एडवोकेट अशोक अग्रवाल के माध्यम से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हालांकि पहले उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जो 10,500 के लगभग जो वैकेंसीज हैं उनमें PRT की वैकेंसीज, NTT की वैकेंसीज और कुछ अन्य जो पोस्ट हैं उनकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लेकिन उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि PRT की वैकेंसीज अभी है नहीं। हालांकि काफ़ी लोग आपको शायद गुमराह कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं चाहता। जो चीज़ें ऑथेंटिक है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम ने पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी की जा सके और न्यू वैकेंसीज पे काम किया जा सके। मतलब हम अपने लेवल से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि न्यू वैकेंसीज या काफ़ी और भी अन्य मुद्दे हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं, जिन पर हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था, हमने लाइब्रेरियन के बारे में डाटा इकट्ठा किया था कि लगभग 1,000 के लगभग, मतलब 1,000 से थोड़ी कम वैकेंसीज हैं, तो उन पर हमने डाटा इकट्ठा किया। इसके बाद हम उन पे वर्क कर रहे हैं। एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर को भी ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि लाइब्रेरियन की पोस्ट भी आनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप विश्वास रखें, हम पूरी सहायता करेंगे। इसके बाद तो हमने PRT पे थोड़ा वर्क किया और NTT की पोस्ट भी खाली है। NTT के बारे में भी हमने डाटा एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर को दे दिया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक बार आप सारी चीज़ें इकट्ठी करके हमें दे दीजिए तो अच्छा होगा कि हाँ सारी चीज़ों पर एक साथ वर्क हो जाए। इसके बाद हमने PRT पे भी जो हमने वर्क स्टार्ट कर रखा है तो इसमें एक नया मोड आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी टीम से जो विजय हैं, विजय जी ने DSSB ऑफिस में कॉल की, उनका कोई जानकार था तो उनसे कुछ जानकारी ली, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। DSSB के वहाँ से क्या जवाब मिला है, तो उन्होंने पूछा कि क्या PRT की वैकेंसीज आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी PRT की कोई वैकेंसीज नहीं आ रही। सबसे पहले जो वर्क चल रहा है वो रिजल्ट पे, जॉइनिंग पे और जो मेडिकल वगैरह है कुछ पोस्ट के या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन पे वर्क चल रहा है, तो अभी PRT की तो कोई बात ही नहीं होती है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या भविष्य में PRT की वैकेंसीज आ सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई PRT के बारे में कोई अपडेट नहीं है, PRT की वैकेंसीज अभी आने के कोई चांसेस नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। और उन्होंने कहा कि अभी इतनी वैकेंसीज भी नहीं है जिससे PRT की वैकेंसीज आ सके, और ना ही हमें कोई अपडेट मिली है, ना ही कोई हमें ऑर्डर मिला है कि हम PRT की वैकेंसीज निकाल दें। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ काफ़ी दुखी करने वाली है, क्योंकि आप समझ सकते हैं काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिन्होंने CTET दिया है और नया CTET भी आ रहा है। अब बात यह आती है कि CTET इतने हो जाते हैं लेकिन वैकेंसीज इतनी आती नहीं है। तो अब इस पर हमने जो वर्क स्टार्ट किया है वो स्टार्ट ये किया है कि सबसे पहले DSSB ने तो अपना जवाब दे दिया कि हाँ हमारे पास कोई वैकेंसीज नहीं है और ना ही अभी आने के कोई चांसेस हैं, लेकिन हमने अभी जो वर्क स्टार्ट किया है वो वर्क ये स्टार्ट किया है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो स्टूडेंट की संख्या है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकलने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के काफ़ी स्कूलों में एक क्लास में 100-100 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कम से कम 2 से भी ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है। तो ऐसे में हम इन चीज़ों को पॉइंट बना के वैकेंसीज निकलवाने में मदद हो सकती है। तो अभी ये किया जाना है और इसके बाद और भी जो चीज़ें हैं उन पर हम वर्क करेंगे। हालांकि वैकेंसीज लगभग PRT की 1500-1600 वैकेंसीज अभी वैकेंट हैं, ज़्यादा वैकेंसीज अभी है नहीं, और 1500 वैकेंसीज के लिए ये अभी नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे। तो अभी यही है कि थोड़ा हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें कुछ घूमना पड़ेगा और हमें इकट्ठे होकर कुछ करना पड़ेगा। देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको व्यूज के चक्कर में ये सारी चीज़ें बताऊं कि हाँ वैकेंसीज हैं, ऐसा मैं नहीं चाहता। जो चीज़ें ऑथेंटिक है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर भी कोई गलती होती तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और आप समझ सकते ज़्यादा।
तो यही अपडेट है आप लोगों के लिए। आगे के लिए क्या हम प्रोसेस करने वाले हैं, हालांकि अभी अपने लेवल से हमने जो जानकारी जो भी मिल रही है वो आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमसे अलग नहीं है ना ही हम आपसे अलग हैं, तो ये चीज़ें आपस में शेयर होती रहें। और आप लोगों को भी कोई जानकारी मिले तो आप लोग भी पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही अपडेट है आप लोगों के लिए, उम्मीद करते हैं कि जो आगे हमारा जो कारवा चल रहा है चलता रहे और जल्दी कोई अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आए। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।